विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी और शमी की ताबड़तोड़ गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम ने 20 साल के बाद वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम को हराकर इतिहास रच दिया। वहीं टीम इंडिया की जीत के बाद विराट कोहली और शमी की तारीफ में भारतीय दिग्गजों ने भी अपना दिल खोल है। तो चलिए बताते हैं किसने क्या कहा, लेकिन अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले में टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया कप्तान रोहित शर्मा ने, और यह फैसला पूरी तरह से शानदार साबित हुआ। पहले सिराज ने कनवे को 0 के स्कोर पर चलता किया, और उसके बाद मोहम्मद शमी ने पहले ही गेंद पर विलियम को बोल्ड मारकर 19 रन के स्कोर पर 2 सफलता भारत को दिला दी थी। लेकिन उसके बाद रविंद्र और मिचेल के बीच साझेदारी हो गई, दोनों ने 150 के पार टीम का स्कोर पहुंचाया, और इस जोड़ी को भी तोड़ा शमी ने। उन्होंने रविंद्र को 75 रन की स्कोर पर गिल के हाथों कैच आउट कराया, लेकिन मिचेल ने शतकीय पारी खेली, लेकिन तेजी से बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही न्यूजीलैंड की टीम को अंत में शमी ने एक के बाद एक झटके दिए और 5 विकेट अपने नाम किया। साथ ही न्यूजीलैंड की टीम को 273 के स्कोर पर रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत काफी दमदार रही। रोहित और गिल ने शुरुआत में भरपूर फायदा उठाया। रोहित शर्मा 46 रन बनाकर फर्ग्यूसन की गेंद पर आउट हुआ, और उसके बाद शुभमन गिल 26 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में होते हुए। उसके बाद विराट कोहली ने जिम्मेदारी को संभाला, अय्यर के साथ एक साझेदारी बनाई। अय्यर ने 33 रन बनाए, केएल राहुल ने 27, लेकिन सूर्य कुमार यादव जब 2 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए तो मुकाबला फिर एक बार पलट गया। 191 के स्कोर पर 5 विकेट हो गए थे। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने अंत में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी। विराट कोहली इस मुकाबले में अपने शतक से चूक गए और 104 गेंद में 95 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने अंत तक 39 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को 2 ओवर पहले ही जीत दिला दी। जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, आज मोहम्मद शमी की गेंदबाजी और विराट की बल्लेबाजी ही थी जिसकी वजह से हम न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर फतह हासिल कर पाए। न्यूजीलैंड की टीम को हराना वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दिल जीत लेने वाली परफॉर्मेंस दिखाई है। विराट कोहली और शमी के बदौलत ही हमारी टीम इस मुकाबले को जीती है। रोहित भी शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं, कप्तान की भी तारीफ करनी होगी। बस हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतनी है। वहीं सचिन तेंदुलकर ने कहा कि विराट कोहली का 8 शतक पूरा हो जाता तो शायद वह 1 शतक और करीब आ जाते। खैर, उनकी बल्लेबाजी को दिल से सलाम है। उन्होंने मुसीबत में फिर एक बार भारतीय टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया और टीम को जीत दिलाई। न्यूजीलैंड की टीम को हराकर हमने अपना बदला तो पूरा कर लिया, लेकिन शमी की तारीफ भी पूरी तरह से बनती है। उन्होंने 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के स्कोर को काफी हद तक रोक, वरना न्यूजीलैंड की टीम 300 के पार पहुंच सकती थी। खैर, खिलाड़ियों की तारीफ तो बनती है और टीम इंडिया को जीत की मुबारकबाद। वही आपको बता दें कि युवराज सिंह ने भी विराट कोहली को दुनिया का असली किंग बताया। उन्होंने कहा, वास्तव में उनकी बल्लेबाजी दूसरे खिलाड़ियों से बेहद अलग है। आज उनकी बल्लेबाजी ना टीम इंडिया की जीत में 4 चांद लगा दिए, तो शमी की तारीफ भी बनती है। शमी की गेंदबाजी अव्वल दर्जे की रही। दोनों की शानदार परफॉर्मेंस के चलते ही हमारी टीम आज इस मुकाबले को जीत पाई है। इस तरह से भारतीय दिग्गजों ने दोनों की परफॉर्मेंस पर सलाम ठोक, वैसा आप सभी टीम इंडिया की जीत और दोनों के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताएं।